kid ho wang Lam 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 तो और लॉन्डो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स और कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो तुम लोग ना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, नहीं मैं नहीं मानता। और अगर तुम लोग इस वाले चैनल पर नए आ रहे हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं बैठचन मजा आएगा। अभी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए नेक्स्ट्रा मैप की तुम लोग इस वाले जगह पे आ जाना। इस वाले ट्री के पास तुम लोग ध्यान से देख लो, तुम लोग इस वाले पेड़ के पास आ जाना है। और जैसे ही तुम लोग इस वाले पेड़ के पास आ जाओ, तुम लोग यहाँ से मुक्का मारते हुए कुछ ऐसे क्लाइंब करना है पेड़ पे, तुम लोग बहुत ही आराम से करना पड़ेगा। और जैसे तुम लोग इसके ऊपर आ जाओ ना कुछ ऐसे, और फिर तुम लोग यहाँ पे अपना स्कोप कर देना, स्कोप वाले गन लेके आना है तुम लोग यहाँ पे। और जैसे ही तुम लोग स्कोप करते हो ना, तुम्हारा जो जॉयस्टिक होता है उसके ऊपर की साइड खींचते ही रहना है। और ना ऐसे ही तुम लोग आगे बढ़ते ही रहना, बढ़ते ही रहना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम लोग ऐसे आराम आराम से करते रहना। तुम लोग ऐसा करना कि ना तुम लोग गिरना पाओ नीचे, और थोड़ा सा इधर उधर गए तो तुम लोग नीचे भी गिर सकते हो। और तुम लोग ना ऐसे ही आराम आराम से करते हुए एकदम पूरा टॉप की साइड चले जाना। उस बार देख सकते हो ना तुम लोग कहाँ पे आ चुके हो, तुम लोग पूरा पेड़ के ना ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे भी आने के बाद ना तुम लोग आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो। तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे और स्कोप करते करते ना तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे। यहाँ पे ना तुम्हारा सिर पूरा छिप जाएगा, तुम्हें कोई हेडशॉट नहीं मार सकता। और यहाँ पे भी आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग को यहाँ पे भी मन नहीं भरता है तो तुम लोग थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो। और जैसे तुम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ना, फिर तुम लोग देखी सकते हो तुम लोग पूरा ना खांचे के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस नारियल के पेड़ के ना पूरा अंदर आ जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से ना कुछ पर्दे टाइप का है, उसके अंदर तुम लोग आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और लिटरली ना तुम लोग इस वाली जगह पे कोई नहीं देख पाएगा। और यहाँ से आने के बाद ना तुम लोग कोई नहीं मार पाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत आराम से बहुत सारी किल कर सकते हो, बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और यहाँ पे तुम लोग अगर साइलेंसर वाला कैरेक्टर लेके आते हो ना, साइलेंसर वाला गन, तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही सारे किल कर पाओगे, बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और कभी कभार ना जोन यहीं पे बन जाता है अपना लास्ट वाला, तुम लोग बहुत आराम से अपना गेम को बुझा भी कर सकते हो। ओके, तो भी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को जो ऑब्जर्वेटरी साइड वाला लॉन्च पैड होता है ना, इसके पास आ जाना है। जैसे तुम लोग इसके पास आते हो ना, फिर तुम लोग को लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ना है। और जैसे तुम लोग लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ जाओगे, फिर तुम लोग कुछ ऐसे एम करना है लॉन्च पैड का, उसके बाद तुम लोग को लॉन्च हो जाना है। और जैसे तुम लॉन्च हो गए ना, तुम लोग अपने स्क्रीन को लेफ्ट राइट कर देना लॉन्च पैड को, उसके बाद देख सकते हो तुम्हारा लॉन्च पैड ना डायरेक्ट जाए जा रहा है, मतलब थोड़ा लैग टाइप का दिखाएगा लेकिन तुम्हारा लॉन्च पैड ना रुकने नहीं वाला है, पूरा आगे ही जाने वाला है। और ना जब तक ना तुम लोग मैप के लास्ट छोर तक नहीं आते थे ना, तब तक तुम्हारा लॉन्च पैड रुकने नहीं वाला। तुम लोग देख सकते हो ना मैं 700 किलोमीटर यहाँ पे चल के आ चुका, जो कि जो है काफी खतरनाक है। और अगर तुम्हारा इनेमी कोई पीछा कर रहा है ना, तो तुम लोग ऐसे ही कुछ करके बहुत दूर आ सकते हो इनेमी से। और ना अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने भी ये वाला ट्रिक करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाला है कि क्या ही ट्रिक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ना मैं काफी दूर आ चुका हूँ, 800 किलोमीटर में लगभग दूर आ चुका है अपने लॉन्च पैड से। अभी अपने तीसरे नंबर वाले भयंकर वाली ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग कॉइन क्लैश मोड होता है ना, उसमें आ जाना। फिर तुम लोग मिल को देख लेना, मिल कितनी दूर पे, और तुम्हारा मिलना जोन के बाहर ही होना चाहिए। और फिर तुम लोग एक जीप को ढूंढना है, और जैसे तुम लोग को जीप मिल जाए ना, फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग को ना जीप को लेना, और तुम लोग को मिल की साइड आगे की साइड बढ़ते रहना है। और फिर तुम लोग करना है कि तुम्हारी जो गाड़ी होती है ना, उसको भगाते भगाते डायरेक्ट मिल पे आ जाना है। और जैसे ही ना तुम लोग मिल पे आ जाओगे, फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग अपनी गाड़ी होती है ना, जिसको आराम से आगे की साइड करना है। और यहाँ पे तुम लोग सामने एक दीवार दिख रही है, इसमें तुमको टच करना है, फिर तुम लोग को नीचे आना है, फिर गेट आउट करना है गाड़ी से। उसके बाद तुम लोग गाड़ी के सही ना पूरा मिल के नीचे आ चुके हो, फिर तुम लोग गाड़ी में बैठना है। और ना जैसे ही तुम लोग गाड़ी में बैठे हो, तुम लोग देख ही सकते हो तुम्हारी गाड़ी ना कितने ऊपर हवा में जा चुकी है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, तो ये गली क्या ही ट्रिक है, मतलब यहाँ पे आने के बाद ना तुम देख सकते हो तो पूरा गाड़ी ना हवा में आ चुकी, तुम्हारी जीप ना पूरी हवा में आ चुकी, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे फिर से तुम लोग देख सकते हो, तो इस वाले ट्रिक को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मैं मिल के नीचे आ चुका हूँ, फिर से मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, फिर तुम लोग देख सकते हो हमारी गाड़ी ना कैसे ऊपर जा रही है, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। तो अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना, फिर तुम लोग इस वाले ट्रक के पास आ जाना। और जैसे ही तुम अपने इस वाले ट्रक के पास आ जाओगे ना, फिर तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को कुछ ऐसे लगा देना है। और जैसे ही तुम्हारी व्हाइट वाली गाड़ी ना प्रॉपर लग जाएगी, फिर तुम लोग उतर के देख लेना तुम्हारी गाड़ी अच्छे से लगी है या नहीं लगी है। और ना जैसे ही तुम्हारी गाड़ी प्रॉपर लग जाएगी, फिर तुम लोग इंटर और गेट आउट करना, फिर देखी से तो तुम लोग पूरा ना ट्रक के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले ट्रक के अंदर जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारी किल कर सकते हो, बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे तुम लोग के लिए हिडन प्लेस
फिर बन जाएगा एक। और इस वाले ट्रिक की मदद से ना तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत आराम से अपना रैंक बूस्ट भी कर पाओगे। लिटरली तुम लोग इस वाली जगह पे कोई नहीं देख पाएगा और यहाँ पे तुम लोग के लिए हिडन प्लेस भी बन जाएगा जहाँ पे तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के अपने स्क्वाड के सामने करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाले की क्या ही ट्रिक है वाली। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग किसी बंदे को भी मारोगे तो पूरा पगला ही जाएंगे कि उनको कहाँ से गोली पड़ रही है और बहुत आराम से तुम उन्हें फिनिश कर पाओगे। तो अभी अपने पांचवे नंबर वाली ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग लॉबी में आ जाना, फिर तुम लोग जो पेट वाला सेक्शन होता है ना उसमें चले जाना, फिर तुम लोग ड्रेकी पेट पे आ जाना है। और यहाँ पे तुम लोग बहुत सारी स्किन दिख रहे होंगे, यहाँ पे तुम लोग टैप टैप करते ही रहना है। मतलब तुम लोग एकदम से ना 10-15 बार टैप टैप कर देना, और जैसे तुम्हारा 10-15 बार टैप टैप हो जाएगा ना और तुम्हें लगे कि ये वाला ट्रिक वर्क करेगा, फिर तुम लोग लॉबी में आ जाना। फिर देखी तो लॉबी में ना तुम्हारा कैरेक्टर स्किल ना चेंज कर रहा है। अगर तुम लोग इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाले कि क्या ही ट्रिक है वाले। इस वाले ट्रिक को देखने बता तो पूरा हिल ही जाएंगे अंदर से। और ये वाले ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाले अपने फ्रेंड्स को सिखाने के लिए कुछ भी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो ना काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और ये वाली वीडियो ना अगर तुम लोग को अच्छी लगी तो इस वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।